तो स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल फटाफट हिमाचल पर। तो दोस्तों आज फिर हम आपके लिए एक और बेहद खास यानी हिमाचल से जुड़ी एक और खबर लेकर आ चुके हैं। यह खबर आपकी होगी कोरोना से जुड़ी हुई, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि कोरोना इस टाइम हिमाचल पर काफ़ी हावी हो रहा है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके जारी निर्देश कर दिए हैं कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे हिमाचल में तो जल्द ही और सख्ती की जाएगी 2-3 दिनों में। तो चलिए आज की रिपोर्ट देते हैं कि क्या पहुँची कुल संख्या ओमिक्रॉन की और हिमाचल में कोविड की क्या है स्थिति। तो ओमिक्रॉन हिमाचल में 3 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, 6 पहुंची कुल संख्या। तो हिमाचल में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को मंडी जिले में 2 और कुल्लू में 1 नया मामला सामने आया। सरकार ने विदेशों से हिमाचल लौटे 29 लोगों के सैंपल जाँच के लिए दिल्ली भेज दिए थे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये ओमिक्रॉन के मामले भी अभी हिमाचल प्रदेश में आने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 और मामले सामने आए हैं। इनमें से मंडी में 2 व्यक्तियों से ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। दोनों ऑस्ट्रेलिया से मंडी लौटे थे। वहीं कनाडा से कुल्लू लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि NHM निदेशक हेमराज बेरवा ने की है। इसी के साथ ही हिमाचल अब तक ओमिक्रॉन वेरियंट के 6 मामले सामने आ चुके हैं। 16 सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी। तो दोस्तों 16 सैंपल अभी की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ ओमिक्रॉन का खतरा भी बढ़ने लगा है। सरकार ने विदेशों से हिमाचल लौटे 29 लोगों के सैंपल जांच के लिए दिल्ली भेजे थे। इनमें विभाग को 13 सैंपल की रिपोर्ट मिल गई है। ऊना के 2 लोगों समेत 16 लोगों की रिपोर्ट 4 दिन के भीतर आनी है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती ये लोग होम आइसोलेट रहेंगे। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को विदेश से लौटने वालों के अलावा हिमाचल में कोरोना संक्रमित के भी सैंपल जाँच के लिए दिल्ली भेजने को कहा है। उधर ऊना जिले में सोमवार को ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले आने के बाद संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए करीब 16 लोगों की सैंपल लिए गए हैं। इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और 6 पहुंची है कुल संख्या ओमिक्रॉन की। तो इसी तरह अगर बढ़ते रहे केस तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द सख्ती की जाएगी हिमाचल प्रदेश में 2-3 दिनों में। तो आपका इसमें क्या कहना है आप नीचे कमेंट में जरूर बताएँ। अगर अभी तक आप चैनल में वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है और आपकी राय को एक वीडियो के द्वारा बताया जाएगा, यानी क्वेश्चन आंसर की वीडियो में आपकी राय बताई जाएगी कि आपका क्या कहना है ओमिक्रॉन के वेरिएंट को लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।